यार अगर हम ये पूछें बात सोचें कि पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा हरामी जानवर कौन सा है, तो किसी के दिमाग में आएगा कि लोमड़ी हरामी है, किसी के में आएगा नहीं कुत्ता है, कोई कहेगा नहीं बिल्ली है। मालिक सबसे ज्यादा हरामी जानवर है कौआ। कौआ इतना हरामी है, उसका दिमाग ऐसे लेवल पे काम कर रहा है। वो कहानी तो सुनी होगी ना, एक कौआ प्यासा था, मटके में थोड़ा पानी था, उसने साले ने कंकड़ डाल के उसका पानी का लेवल राइज कर दिया भाई। वो वहां पे उसको वॉल्यूम से खेल रहा है कि यहाँ पे पत्थर डालूंगा तो पानी ऊपर आ जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ये हरामीपन थोड़ी हुआ, ये तो समझदारी हुई। मेरे भाई समझदार जानवर होते हैं हाथी डॉल्फिन, वो समझदार होते हैं लेकिन शरीफ होते हैं। कौआ समझदार है लेकिन वो है हरामी। अब इनके हरामीपन का लेवल और एक किस दिमाग इनका कहाँ काम करता है ये बात जानी मैंने 2 साल पहले। हम खड़े थे गली में, कौए उड़ रहे थे, हमारे अंदर कीड़ा काटा, हमने कहा जानी ओलंपिक्स ओलंपिक्स खेलेंगे आज, उड़ते हुए कौए को जो जिसका निशाना लग जाएगा ना पत्थर का वो जीतेगा। इत्तेफाक से हमारे लग गया, फूटी किस्मत हमारी, हमने मार दिया पत्थर, वो कौआ गया काय काय करता हुआ अपने घोंसले के अंदर, हमें लगा भाग गया होगा। वो साला पूरी बिरादरी बुला के ले आया भाई। ये इनका एका इतना होता है जैसे एक पेड़ जो होता है ना उसके अंदर जितने कौए होते हैं, दूसरे पेड़ के जो कौए सारे आपस में चचेरे भाई होते हैं, इनके रिश्ते लगे हुए होते हैं आपस में, जैसे इंसानों के होते हैं ना, नॉर्थ में एक खानदान है, सुरजानी में एक खानदान है, डिफेंस में एक खानदान, इस तरह कौओ के भी होते हैं भाई। ये पेड़ टू पेड़ वेरी करते हैं। इसमें साले ने पूरे अपने चचेरे भाई, पूरा 150 कौआ मेरे पीछे पड़ गया, मेरी फट के हाथ में आ गई। एक हफ्ते तक मैं घर से नहीं निकल पाया था क्योंकि जब भी निकलता था ना साले अटैक कर देते थे मेरे ऊपर। और एक दफा गलती कर दी हमारी अम्मा ने, हमारी अम्मा ने एक दफा कौए को ना खाना डाल दिया। इन सालों को कभी खाना मत डालना, बरादराना मशवरा है भाई, बर्बाद हो जाओगे। कुत्ते को खाना डालते हो ना, वो मोहल्ले में बैठा रहता है कि मालिक आएगा, खाना डाला तो ठीक, नहीं डाला तो गुजारा कर लेंगे। कौआ साला तुम्हें उठाएगा आके, उसको तुमने एक दफा खाना दे दिया ना, और वो रोज तुम्हारी खिड़की के आकर काए 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 करता रहेगा। सुबह 6 बजे कौआ आके काए काए करता था, और जब तक साले को कुछ खाने को ना दो ना चिल्लाता रहता था। नींद हराम कर दी थी साले ने मेरी। ये साले कौए बिल्कुल उस मुफ्तखोर दोस्त की तरह है जो आपके घर के सामने आ जाता है रोज, कहता है जानी आज फ्राइज खिला दे पैसे नहीं है, जानी आज चाय पिला दे पैसे नहीं है, जानी आज रोल खिला दे पैसे नहीं है। इनके पास पैसे कभी होते ही नहीं है और ये आपकी जान भी नहीं छोड़ते। कौआ बिल्कुल सेम चीज़ है, इसे आप पीछा नहीं छोड़वा सकते, और अगर आपने इसको मारा तो ये आपकी फाड़ के रख देंगे। अब तुम में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ ये हुआ होगा कि तुम लोग गाड़ी खड़ी करके जाते हो, वापस आते हो, उसके ऊपर बीट हुई हुई होती है। तुम्हें क्या लगता है वो कबूतर करके गया? मालिक तुम्हें कौए ने ताड़ लिया है, तुम कौए के रेडार में आ गए हो, उसने देख लिया कि ये तुम्हारी गाड़ी है, तुमने कभी कौए के अंदर पिन कर दी होगी। अब वो कौआ जो है ना तुम्हारी गाड़ी पे बीट करेगा, फिर वो अपने बेटे को बताएगा कि हाँ इस गाड़ी पे बीट करनी है, फिर वो अपना बेटा, इस तरह नस्ल दर नस्ल वो जो है ना बताते रहेंगे कि ये आदमी है, इसको छोड़ना नहीं जिंदगी भर, इससे खानदानी दुश्मनी निभानी है, कौओं की नस्लों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, खत्म हो चुके हो। अब वेट करो, किसी दिन शायद तुम्हारे मोहल्ले में भी वो लोग ढूंढते ढूंढते तुम्हें आ जाए और कुत्ते की तरह तुम्हें मारे। अब इन कौओं से बचने का मालिक एक ही तरीका, या तो शक्ल बदल लो या तो इलाका बदल लो। पहला वाला कर नहीं सकते, दूसरा वाला ही करना पड़ेगा, नहीं तो कौए तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे।